हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही खुश और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं पूनम प्रजापत आज रसायन विज्ञान की अपनी दूसरी क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, अपन जब पहली क्लास पढ़ रहे थे तो उसमें लास्ट में मैंने जाते वक्त आप सबसे कहा था कि बच्चों, मैं अगले क्लास में जब आऊंगी तो पहली क्लास को समराइज जरूर कराऊंगी, इसीलिए आप इंतजार भी कर रहे होंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन पहली क्लास का समराइज करते हैं, ज्यादा समय को ना कंज्यूम करते हुए बच्चों। तो अपन ने जो टॉपिक्स पढ़े थे पिछली क्लास में, उसको फटाफट एक बार रिविजन दे देते हैं। क्या क्या पढ़ा था बच्चों? अपन ने टॉपिक पढ़ा था सबसे पहले क्या, द्रव्य के बारे में, ये द्रव्य क्या होता है, इसकी परिभाषा को देखा था जो आप सबको बहुत ही अच्छे से पता है, उसके बाद में अपन ने इसको कितने भागों में विभक्त किया था और अपन ने क्या पढ़ा था। तो अपन ने देखा था कि जो द्रव्य होता है वो किसी पदार्थ में कोई ना कोई क्या होता है, उसका आयतन होता है, वो स्थान घेरती है, तो वो द्रव्य हो जाता है, करेक्ट। उसके बाद में अपन ने देखा कि द्रव्य जो है उसकी प्रकृति कैसी होती है और उसकी अवस्थाएं कौन सी होती है। तो प्रकृति और अवस्था, बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड अपन ने इसी टॉपिक में देखा था द्रव में ही क्या, उसका वर्गीकरण, बिल्कुल देखा था ना बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल याद है, फटाफट कमेंट में लिखते जाएं। ओके, प्रकृति और अवस्था के बारे में देखा था। तो अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो अपन ने देखा था बच्चों तीन प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। अपन ने इसके बारे में पढ़ा और इसके अंदर भी क्या पढ़ा था, अपन ने देखा था कि ठोसों के कण जो होते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है। तो कणों की स्थिति के बारे में डिस्कस किया था, कणों की स्थिति कैसी होती है, उनमें आकर्षण कैसा होता है, और उसके बाद में उसका आकार और आयतन। सही बात है, ठीक बात है, ये बात तो अपने को समझ में आ गई थी। यानी इन इन टॉपिक्स को देखते हुए अपन ने इनको क्या किया था, डिफ्रेंशिएट किया था, इनमें अंतर देख लिया था। वो अंतर आपको याद होना चाहिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो स्टार्ट लगा ले बच्चों। सेकंड थिंग, अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो क्लासिफिकेशन में बच्चों अपन ने क्या देखा था, क्लासिफिकेशन में अपन ने देखा था कि पदार्थ जो अपना द्रव्य जो है उसके अंदर ये दो पार्ट में डिवाइड थे, वो कौन सा था बच्चों, शुद्ध पदार्थ और क्या था बच्चों, मिश्रण। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ओके, शुद्ध पदार्थ को फिर से वर्गीकृत किया था और अपन ने देखा था बच्चों ये है तत्व और ये किसमें डिवाइडेड था, यौगिक में, क्लियर। तत्व जो है उसके अंदर अपन ने देखा था ये परमाणु भी होते हैं और अणु भी होते हैं, है ना। हाइड्रोजन पढ़ा था, सोडियम है, पोटेशियम है, लाइक दिस। और अणुओं के बारे में देखा तो ऑक्सीजन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, इस तरह से कई प्रकार के अणु होते हैं, लेकिन वो सब किस में आते हैं, तत्वों में आते हैं। फिर यौगिक में देखा तो H2O देख लिया, H2SO4 देख लिया, कॉपर सल्फेट देख लिया। तो ये सब क्या है बच्चों, यौगिक है। ये सब आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, आपको इसी तरीके से नोट्स में भी लिखना है। सेकेंड थिंग, मिश्रण जो है उसको फिर से क्लासिफाइड किया था बच्चों, वो क्या था मेरे बच्चों, समांगी बेटा, और क्या था, विषमांगी, चलिए समांगी में क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल क्या था, याद रखना है एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल क्या था, पानी में क्या, चीनी का विलयन, ठीक है, पानी में चीनी का विलयन, बात समझ में आ गई। ये सब आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए थे। और वहीं पर विषमांगी जो है वो दाल में क्या, दाल में पत्थर, या यूं भी कह सकते हैं चीनी और नमक का जो मिश्रण होता है वो भी क्या है, विषमांगी है। रुधिर क्या है, विषमांगी है, हवा या वायु क्या है, समांगी है। ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो फटाफट बच्चों ये जो समरी है पूरे टॉपिक की उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बात समझ में आ जाए, क्लियर। अब चलते हैं प्यारे बच्चों मेरे अगला अपना आज का जो टॉपिक है उसके बारे में। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज अपन पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक है द्रव्य या पदार्थ जो है आपका उसके क्या गुणधर्म। अब ये गुणधर्म कैसे होते हैं, द्रव्य के गुणधर्म और उसका मापन अपना टॉपिक है। बच्चों सोचो और कमेंट में बताओ कि गुणधर्म जो अब तक आपने पढ़े हुए हैं, क्योंकि टेंथ में भी तो रसायन विज्ञान था ही ना, केमिस्ट्री के टॉपिक थे ना,
वहां पर आपने क्या पढ़ा था, गुणधर्म के नाम पर कितने प्रकार के पढ़े, राइट। तो फटाफट कमेंट में लिख रहे हैं बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, कितने प्रकार के पढ़े थे बेटा गुणधर्म, अपन ने पढ़े थे दो प्रकार के। तो दो प्रकार के जो गुणधर्म आपने पढ़े थे वो कौन कौन से हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, राइट। बच्चों भौतिक गुण कौन से होते हैं और रासायनिक गुण कौन से होते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं, पदार्थ जो होता है उसका संगठन नहीं बदलता, जैसा है वैसा ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके गुणों में कोई चेंज नहीं होता, वो भौतिक गुण। लेकिन जिनके गुणों में चेंज हो जाता है वो रासायनिक परिवर्तन, राइट। ये 10th क्लास से हम पढ़ते आए हैं, क्लियर। तो अब भौतिक गुण में अपन देखते हैं कि अपने भौतिक गुण जैसे रंग हुआ, गंध, ठीक है, अवस्था, गलनांक, क्वथनांक, ठीक बात है, ये सब भौतिक गुण हैं, जो क्या होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनका अपन मापन कर सकते हैं, तो वो होते हैं भौतिक गुण। लेकिन रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे ज्वलनशीलता, ज्वलनशीलता और अम्ल या क्षार के साथ पदार्थ की क्या क्रिया, बिल्कुल सही बात है जी, समझ में आ गई। यानी इनमें तो क्या होगा, परिवर्तन होता है, पर यहां पर परिवर्तन नहीं होता है, क्लियर। अब चलते हैं आगे इसकी परिभाषा की ओर भी देख ले, थोड़ा सा देख ले। वे पदार्थ जिनके गुणों में बिना परिवर्तन के उनका क्या किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। तो वे पदार्थ जिनके गुणों में, जिनके क्या गुणों में बिना परिवर्तन किए मापन किया जा सके, वो कौन से परिवर्तन होंगे, वो कौन से गुण होंगे, वो भौतिक गुण होंगे, सही बात है। सेकंड, वही रासायनिक में क्या बताएंगे अपन, वे पदार्थ जिनका मापन बिना गुणों में परिवर्तन के संभव, नहीं है, उन्हें रासायनिक गुण कहते हैं, सही है। अब मापन, यहां पर एक शब्द आया है, क्या बेटा, मापन, दोनों में दिखाई दे रहा है, ये बात समझ में आई है, सबको समझ में आ गई होगी, बात क्लियर भी हो गई होगी कि भौतिक गुण कौन से, या इन शॉर्ट शब्दों में बोलूं, मैं इन सब को छोड़ करके केवल एक लाइन में बोलूं, जिनको आप देख लें जैसा है वैसा ही दिखाई दे रहा है वो भौतिक गुण, लेकिन जिनको देखने पर उनका परिवर्तन समझ में नहीं आ रहा है वो रासायनिक गुण, क्योंकि भौतिक गुण तो सामने से दिखाई देगा आपको, है ना, रंग है, अवस्था है, गंध है, दिखाई देती है ना, रासायनिक इतना आसानी से दिखाई, परिवर्तन दिखाई नहीं देता, तो वो गुण रासायनिक गुण हो गए, क्लियर। दूध का दही में परिवर्तन दिखाई थोड़ी देता है, होकर के सामने आता है, राइट। तो इसी तरह से अपन इन चीजों को क्लियरिफाई कर चुके हैं। अब अपन, जब अपन ने ये देख लिया तो अपना जो टॉपिक आ गया अगला क्या है भाई, मापन। अब मापन का मतलब क्या, अपन जब मापन को समझते हैं तो क्या मापन मतलब, अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, है ना। तो मापन जब अपन करते हैं तो मापन में कोई भी मापन करते हैं तो उसकी कोई ना कोई पद्धति होगी ना, तो आपकी स्क्रीन पर बोर्ड पे दिखाई दे रहा है मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, राइट, वो मात्रकों के लिए होती है, हो गई बात समझ में आ गई। तो ये जो मात्रक है उनका जो मापन आ रहा है वो क्या है, बच्चों अपन देखते हैं कि अपने पास जो है वो क्या है, एक बार अपन ये सोच लें कि अपने पास एक रूम है जिसकी लंबाई अपन ने क्या मान ली है, 6 मीटर, एक कमरा है जिसकी लंबाई क्या मान ली भाई, 6 मीटर मान ली, ठीक बात है। अब ये 6 मीटर जो आपने मापी है उसमें 6 क्या है,
एक संख्या है और m क्या है, मीटर। मीटर क्या है, उसका मात्रक है जिसमें मापन किया है आपने। ठीक बात है ना, मापन से मात्रक आ गया। अब ये मात्रक क्या होते हैं, अब अपन अपने टॉपिक पर आ जाते हैं जो अपने को पढ़ना है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये मात्रक क्या होते हैं, तो मात्रकों के बारे में जब बताया गया तो कहा गया भाई कि मात्रक किसी भी वैल्यू का आपको लेना है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में या ग्राम में, आयतन को मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में, इस तरह से बहुत सारे मात्रक हैं। लेकिन ये कहाँ से आए, तो बच्चों अंतरराष्ट्रीय जो मानक पद्धतियां हैं वो मात्रक पद्धतियां जो है उनमें दो पर्टिकुलर पद्धतियां अपने को बताई गई है जिसे अपने को यहाँ पर डिस्कस करना है। वो कौन कौन सी है, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है क्या, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि आपके पास MKS और क्या है, SI है। सही बात है। अब MKS है, SI है, बच्चों इसमें दो और हैं। SI में एक आती है CGS और एक आती है अपने पास FPS, राइट। लेकिन CGS जो है वो SI के अंदर ही इंक्लूडेड रहती है और FPS हो गया फुट, पाउंड और सेकंड, जो समय के लिए है। अपन यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे, अपन मेनली किनको डिस्कस करेंगे, जो अपने को पूछा जाता है वहीं पर बात करते हैं। तो टॉपिक टू टॉपिक चलते हैं। तो MKS जब ये पद्धति बात की जा रही थी तो इसका मतलब था कि आपको कोई भी लंबाई है, अपने पास द्रव्यमान है और समय है, ठीक है, मेनली इन पर डिस्कस किया गया। और यही चीज अगर आपको MKS में दिखानी है तो किस रूप में लिखोगे, और वहीं पर SI या CGS में दिखानी है तो कैसे लिखोगे। तो कहा कि लंबाई को हमेशा यदि MKS में व्यक्त करो तो मीटर और SI में व्यक्त करो तो सेंटीमीटर, ठीक है। द्रव्यमान को यदि आप व्यक्त करो तो केजी में, किलोग्राम में, और वहीं पर यहां पर किस में करोगे, ग्राम में। समय को किस में करोगे, सेकेंड में, और यहां भी सेकंड। बेटा समय तो हर जगह सेकंड में ही चलना है, तो अपने को ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। आपको मेनली इन चीजों के बारे में ही याद रखना है कि आपको लंबाई, द्रव्यमान और समय को किस में व्यक्त किया गया है, क्योंकि अपना ज्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं है, पर जो आना है वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। क्लियर, शायद बात समझ में आ गई होगी। ओके डन, फटाफट कमेंट में लिखते जाएं। आगे चलते हैं, अपन इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे किसके ऊपर बच्चों, अपन डिस्कस करेंगे द्रव्यमान और भार पर। ठीक बात है बच्चों, ये द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। तो द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा जो बदलती नहीं है वो उसका हमेशा द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहता है, द्रव्यमान किसे कहते हैं, पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा ही उस पदार्थ का क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। ठीक बात है, बात समझ में आ गई है। द्रव्यमान जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये तत्व हैं, इनका कोई ना कोई तो द्रव्यमान है ना, बिल्कुल है। इनका जो द्रव्यमान है, जैसे कार्बन, उसका परमाणु क्रमांक 6, तो उसका द्रव्यमान कितना होता है, 12। तो 12, अब वो कभी बदलता नहीं है, उसको आप कहीं पर भी ले जाओ, आप पृथ्वी पर है तो वहां, चंद्रमा पर ले जाओ तो भी 12 ही रहना है, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। वहीं पर दूसरी बात करें अपन भार की, भार जो होता है वो किसी भी पदार्थ का वह वजन है जो स्थान से बदल जाता है। स्थान की स्थिति बदल गई तो भार भी बदल जाता है, राइट। इसको मैं अभी एग्जांपल समझाऊंगी, तो आराम से सुनो कि भार जो क्या होता है, किसी वस्तु का, किसी वस्तु का वह वजन जो क्या होता है, जो स्थिति के अनुसार
या यूं कहूं क्या स्थान बदलने पर से बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैडम ये बात क्या हुई, कैसे हुई, आप सबने चंद्रमा का तो नाम सुना ही है राइट, है ना। तो चंद्रमा पर और पृथ्वी पर यदि भार की बात करें, द्रव्यमान सब जगह स्थिर है बच्चों, भार की बात करो तो अपना जो भार या वजन है वो कहां पर, चंद्रमा पर जाए तो केवल कितना रहेगा, 1/6 ही रहेगा। जितना वजन पृथ्वी पर है उसका केवल 1/6 वहां पर रहेगा, यानी कि हम वहां पर जाएंगे तो बहुत ही अपने आप को हल्के महसूस करने लग जाएंगे राइट। तभी तो क्यों होता है ऐसा, ये डायरेक्टली जो है अगर अपन थोड़ा सा केमिस्ट्री में फिजिक्स को इंक्लूड कर रहे हैं तो वहां पर अपन ये देख लेते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना वो क्या होता है, डायरेक्टली क्या हो जाता है, भार के इक्वल चलता है। तो जब वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, कम होता है, उसकी वजह से वहां पर भार भी क्या होता है, कम होता है। तो बात समझ में आ गई, इसीलिए चंद्रमा पर मनुष्य जो है अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, तभी तो उछल उछल कर चलते हैं। बात समझ में आ गई होगी राइट। शायद एग्जाम्पल से द्रव्यमान और भार बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे बच्चों। कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया है, तो इंपॉर्टेंट जरूर लगा दे, क्वेश्चन आते हैं इसीलिए डिस्कस किए जा रहे। अगला अपना, ये तो आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, डन। अब चलते हैं अपन आगे, बढ़ते हैं अपना इसी के आगे, अगला टॉपिक जो है वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आयतन राइट। अपन ने द्रव्यमान और भार के बारे में डिस्कस कर लिया, उसका मात्रक तो मैंने पहले ही बता दिया था कि द्रव्यमान को अपन किलोग्राम और ग्राम में व्यक्त करते हैं, ये तो कोई बात नहीं, हो गया क्लियर। अब आयतन, तो बच्चों आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है, किसे कहते हैं भाई, कोई वस्तु स्थान घेरती है, जितना स्थान घेरती है वही क्या है, उसका आयतन है। सही बात है, आप सबके पास इसका एग्जाम्पल ले तो अभी किताब रखी हुई है ना, उस किताब को आप रखे हो इस तरह से, तो किताब जब रखी हुई है तो उस किताब की कोई ना कोई तो लंबाई है, कोई ना कोई चौड़ाई है और कोई ना कोई ऊंचाई भी होगी राइट। लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और थोड़ी बहुत ऊंचाई भी होगी, हो गई। इन सब को अपन जब आयतन के रूप में लिखते हैं तो अपन उसको कहते हैं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को अपन मीटर में व्यक्त कर सकते हैं या फिर सेंटीमीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं। हाँ या ना बच्चों, बात समझ में आ गई, ये एमकेएस में है और ये सीजीएस में है, कनेक्टिविटी समझ में आ गई ना, मात्रक भी साथ ही समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हम इसको लिख देंगे मीटर क्यूब या फिर लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब राइट। बच्चों बात समझ में आ गई होगी कि हम जब किसी वस्तु द्वारा घेरे गए आयतन को ज्ञात करते हैं तो उसको हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में व्यक्त करते हैं और वो हमेशा क्यूब की फॉर्म में आता है। बात समझ में आ गई होगी, चलो मात्रक समझ में आ गया, आगे चलते हैं अपना अगला जो है वो क्या है, घनत्व। अब बच्चों घनत्व क्या होता है, घनत्व मतलब क्या, इकाई आयतन में उपस्थित किसी भी वस्तु का द्रव्यमान राइट, वही क्या होता है, उस वस्तु का घनत्व कहलाता है। तो परिभाषा क्या हो गई घनत्व की, इकाई आयतन में उपस्थित वस्तु का द्रव्यमान, बिल्कुल, यानी कोई वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित उस वस्तु का द्रव्यमान क्लियर क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है, हो गई क्लियर। अब अपन इसका जब मात्रक निकालेंगे तो वो कैसे होगा, जैसे मैंने अभी
आयतन में दिखा दिया था ना कि वस्तु को रखा, उसकी कोई ना कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वैसे ही घनत्व की बात करें तो घनत्व में बच्चों हमेशा क्या आता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। बात समझ में आ गई होगी, है ना। इकाई आयतन में उपस्थित किसी वस्तु के द्रव्यमान को हम उसका घनत्व कहते हैं। क्लियर। अब जब आप ये बात कर रहे हैं तो अपन चाहे एमकेएस में निकालो चाहे सीजीएस में, एमकेएस और सीजीएस या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसआईबी लिख सकते हैं। तो एमकेएस में क्या लिखोगे भाई, द्रव्यमान को केजी और आयतन को मीटर क्यूब। वहीं पर सीजीएस या एसआईबी में बात करें तो ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो मात्रक क्या हो गया घनत्व का, या तो हो जाएगा क्या केजी प्रति मीटर क्यूब, या फिर क्या लिख सकते हैं ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ गई होगी, है ना मेरे बच्चों, छोटे छोटे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट में लिखते जाओ यस मैम, ओके वेरी गुड। देखो बात समझ में आ गई, ये तो आपका मात्रकों में हो गया। एक सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका भी क्वेश्चन आता ही है, वो टॉपिक क्या है, ताप। तो अब ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये टॉपिक जो अपन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। तो ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसको चलिए अपन देखते हैं, ठीक बात है। ये क्या, अब जो ताप होता है बच्चों, तो ताप जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ओके। तीन पार्ट में डिवाइडेड है मतलब अपन सबसे पहले इसको देखते हैं डिग्री सेल्सियस में, फिर देखते हैं केल्विन में, और फिर देखते हैं फ़ारेनहाइट में। बात समझ में आ गई होगी। डिग्री सेल्सियस में सोचो अपने पास वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो आप क्या करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री प्लस क्या लिख देंगे, 273.15। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, आप इसे राउंड फिगर में 273 भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही बैठता है, ठीक बात है। वहीं आगे की ओर चले तो फ़ारेनहाइट की बात करें तो वो आता है अपने को, जब किसी को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हम लिखते हैं 9/5 गुना डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये वो फॉर्मूलाज हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन आता ही है, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सके। बात समझ में आई, एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा देती हूँ ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए, क्योंकि जब तक आप उस चीज को एग्जाम्पल से नहीं करेंगे तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। उसके बाद में आपको एक प्रैक्टिस करवाएंगे, वो आप खुद करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक बात है। अपन यूं कहें कि अपने पास 25 डिग्री सेल्सियस है, कोई टेम्परेचर है, तो बताओ उसका मान केल्विन में कितना होगा और बताओ उसका मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा, राइट। तो बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे तुम, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 25 प्लस कितना कर दोगे, 273। बात समझ में आ गई, यस और नो। वहीं पर अगर तुम फ़ारेनहाइट में करोगे तो फ़ारेनहाइट में क्या करोगे, 9/5 गुना 25 प्लस 32। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। फटाफट इसका आंसर मुझे फटाफट कमेंट में लिखो ताकि बात समझ में आ जाए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना। तो अब ये चीज तो हो गई क्लियर, ठीक बात है। अब यहाँ पर ये चीजें ठीक है, ये तो कर ली होगी, कितना आंसर आया जल्दी कमेंट में बताओ, फटाफट 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 सब बच्चे जल्दी से बताएंगे कितना आया, इतना जोड़ा होगा ना, 73 में 25 जोड़ा तो कितना आया, 5 और क्या हो गया 3, कितना हो गया 8, 7, 8, 9, और ये कितना हो गया, 298। बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो इस प्रकार आप कैलकुलेशन तो खुद कर लेंगे, यहाँ कराने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको आना चाहिए, इतना तो आप करेंगे ही, ओके डन। सब बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। कमेंट्स में
अच्छे से फटाफट आंसर करोगे तो करने में भी मजा, और पढ़ाई जो आपको रिवीजन में साथ साथ करा रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बता रही हूँ, वो सब भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलते हैं अब आगे। एक आपका उदाहरण जो आपको खुद करना है, फटाफट करो, देखें आप इसको कितना जल्दी करके कमेंट में इसका आंसर लिखते हो। आपको लिखा है 373 केल्विन को फेरनहाइट में बदलना है, ठीक है, ये आपको करना है। केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है? फेरनहाइट में। अब अपने पास बच्चों क्या है वो देख लो, फिर आप करना, मैं आपको समय दूंगी। 373 केल्विन है जी, अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें? फेरनहाइट में। केल्विन को फेरनहाइट में करने के लिए अपने पास फॉर्मूला तो क्या है भाई, 9/5 गुना डिग्री सेल्सियस प्लस 32। हाँ जी, हाँ या ना? ठीक है, ये तो ठीक बात है, लेकिन जब अपन ये कर रहे हैं तो यहां तो डिग्री सेल्सियस है और ये वैल्यू तो केल्विन है, तो केल्विन को पहले किसमें कन्वर्ट करो? डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे भाई? जल्दी 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 फटाफट देखे, जल्दी करो। क्या बात है, वेरी गुड, बड़े जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं जी। बिल्कुल 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 सही में, बिल्कुल बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको साथ में प्रैक्टिस भी करवा रही हूं मैं। ओके, तो फटाफट देखो जल्दी से। अब देखिए जिस जिसने किया है अब एक बार मिलान करें कि जो मैं कर रही हूं वैसे ही आपने किया है। 373 अपने पास, केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो। और केल्विन में वैल्यू कितनी दी गई है? 373, यहां पर -273 बराबर में डिग्री सेल्सियस, यस और नो? आ गया होगा, कितना आया? 100 आ गया ना। केल्विन में क्या कन्वर्ट किसमें हो गया? ये 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब ये डिग्री सेल्सियस में आ गया तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर अपन इसको नीचे की तरफ लिख कर देख लेते हैं कि 9/5 गुणा 100 प्लस 32। हाँ या ना? अब ये काटो फटाफट, कितना आया? 20। अब 20 इसे मल्टीप्लाई कर दो, 180 प्लस कितना आया? 32। आंसर क्या आया जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट देखे कितना आया भाई? 2, 8, 9, 10, 11 और 212 क्या? फ़ारेनहाइट। वैसे तो कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बच्चे बहुत होशियार हैं और सबने सही आंसर किया है, जो बड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे इतना मन लगा कर पढ़ रहे हैं। तो कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ते रहो बच्चों, आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। क्लियर? तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट देखे जल्दी से, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये क्लियर हो गया? ओके डन, अब चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है अपना क्या? अगला टॉपिक है मापन में अनिश्चितता। बच्चों मापन में अनिश्चितता का क्या मतलब है? सुनो और सोचो भी साथ साथ में। कोई भी वस्तु को अपन जब मापते हैं, माप रहे होते हैं ना, जैसे चीनी है, उसको आपने मापा, 2 किलो चीनी लाई, घर पे लाके देखा तो थोड़ा सा एरर आ रहा है, यानी मापन सही नहीं है, या तो अपनी मापनी तुला खराब है या जिससे लाए हैं उसकी खराब है। पर ऐसा होता ही है, थोड़ा बहुत जो अशुद्धि है, त्रुटियां हैं, वो सब जगह होती है। तो इन्हें हम कहते क्या हैं, इनको हम कैसे लिखते हैं? तो स्क्रीन पर आपको दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक तो परिशुद्धता और एक यथार्थता। भाई क्या होती है परिशुद्धता, क्या होती है और यथार्थता क्या होती है? तो बच्चों ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी, है ना? क्योंकि जितना अच्छा एग्जाम्पल किसी चीज को रिप्रेजेंटेशन के लिए अच्छा होता है, उससे ज्यादा अच्छा कोई और चीज नहीं, तरीका हो ही नहीं सकता है। क्लियर? तो अपन देखते हैं परिशुद्धता और यथार्थता को हम एक एग्जाम्पल से ही क्लियर करेंगे। ओके, वो एग्जाम्पल क्या है सुनो। कोई तीन भाई हैं, सोनू, मोनू और चीकू। कितने भाई हैं? तीन भाई है,
ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब सोनू लिख रही हूं मैं, आप ध्यान से सुनना। मोनू और चीकू तीन भाई हैं। तीनों को इनकी माँ ने कहा कि बेटा चीनी लेकर आओ, 2 किलो चीनी ले आना। तो तीनों ने कहा ठीक है भाई, 2 किलो चीनी लेकर आए। तीनों चले गए, 2 किलो चीनी लेकर तीनों भाई आ गए। अब उनकी माँ ने कहा कि बेटा चीनी तो ले आए, जरा माप लो कि देने वाले ने जिससे तुमने खरीदा है उसने 2 किलो बराबर दिया है क्या? क्या लेकर आए हैं वो? चीनी लेकर आए हैं। कितना? 2 केजी। ध्यान से, अब 2 केजी तो ले आए। पहला सोनू जो है उसने जब इसी चीनी को तोला तो इसके पास मान आया, पहली बार तोला तो 1.93 आया और दूसरी बार तोला तो 1.95 आया। ठीक। सेकंड फिर मोनू ने कहा छोड़ो, तुमसे नहीं होगा, मैं तोलता हूं। ठीक है भाई, तुम तोल लो। उसने तोला तो 194 आया और फिर आया 197। मम्मा तो सोच रही है कर क्या रहे हैं, सही लाए हैं कि नहीं, अगलों ने ठग तो नहीं लिया। फिर चीकू ने कहा कि मैं भी ट्राई कर लूं लगे हाथ, क्या पता मेरे से सही आ जाए। तो उसने तोला तो आया क्या 1.99 और आया 2.01। ठीक है, ये वैल्यू तो आ गई। अब मैडम इनका आप कहना क्या चाहती हो, टॉपिक पे तो आओ। बिल्कुल बच्चों, ये दोनों मान जो वास्तविक मान है उसके नजदीक नहीं है, थोड़ा दूर है, पर आपस में नजदीक है। सही है, यानी कि वो मान जो परस्पर सन्निकट हो पर वास्तविक मान के सन्निकट नहीं हो, ऐसे मान क्या होते हैं? परिशुद्ध होते हैं। परिभाषा समझ में आ गई? परिशुद्ध क्या होता है? ऐसे मापन जब किसी वस्तु का किया जाए तो प्राप्त मान परस्पर सन्निकट हो पर वास्तविक मान के सन्निकट ना हो। वास्तविक मान क्या है? 2 केजी, उसके सन्निकट नहीं है, तो ये क्या है? परिशुद्ध है। बात समझ में आ गई होगी। सेकंड, 1.94, 1.97 ये मान वो है जो ना तो परस्पर सन्निकट है ना ही वास्तविक मान के सन्निकट है, तो ये परिशुद्ध तो नहीं है। पर बात यथार्थता पर अटक रही है। यथार्थता क्या होगी? यथार्थता तब होगी जब वो सैन निकट मान के नजदीक हो, वास्तविक मान के नजदीक हो, तो वो क्या होगा? यथार्थ होगा। बात क्लियर हो गई होगी, राइट? तो ये मान ना तो परिशुद्ध है और ना ही क्या है, ना तो एक नंबर, और इसको 2 नंबर दे दो, एक और 2 नंबर दोनों ही नहीं है, ये एक नंबर तो है। और दी गई वैल्यू जो लास्ट में है वो परस्पर भी सन्निकट है और वास्तविक मान के भी सन्निकट है। इसका मतलब ये परिशुद्ध भी है और यथार्थ भी है। बात समझ में आ गई होगी? सिंपल से शब्दों में कहूं तो आपस में सन्निकट मान हो लेकिन वास्तविक मान के सन्निकट ना हो तो वो परिशुद्ध होगा पर यथार्थ नहीं। जो ना सन्निकट हो ना वास्तविक मान के निकट हो, ना यथार्थ ना परिशुद्ध, लेकिन जब सन्निकट हो वास्तविक मान के तो वो यथार्थ है और परस्पर भी हो तो वो शुद्ध भी है। बात समझ में आ गई होगी बच्चों? तो थ्योरी तो हर जगह लिखी है, हम पढ़ भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से समझ में आ जाए तो वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है? अमिट हो जाता है। क्लियर? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट मारो ताकि बात समझ में आ जाए और आप जब इसे रिवाइज करें तो भी बात क्लियर हो जाए। क्लियर? अब चलते हैं हम आगे, और ये रहा आपका टॉपिक। आपका टॉपिक क्या है अगला? आपका टॉपिक है वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है? वैज्ञानिक संकेतन क्यों लाया गया? ये संख्याओं में किस तरह से व्यक्त करने के लिए लाया गया है? सोचो, अब तक तो नहीं पढ़ा था 11th में ही, क्यों? यहां से भी क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक
टॉपिक में से एक है ये, ठीक है ना, इसीलिए आपको क्लियरली समझाया जा रहा है। ओके, तो वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है? वैज्ञानिक संकेतन का मतलब होता है किसी भी बड़ी संख्या को सरल रूप में, सरल रूप में व्यक्त किया जाए तो वो उस संख्या का कौन सा निरूपण कहलाता है? वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है, राइट। और इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक फॉर्मूला भी दिया, जो फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एन इंटू 10^(n). क्लियर? तो परिभाषा आपके बोर्ड पर आपको दिखाई दे रही है क्या है, जब किसी संख्या को इस रूप में लिखा जाता है तो उसे वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। बात से क्लियर हो गई? आप जब वैज्ञानिक संकेतन में आप लिख रहे होते हैं तो वो है कैपिटल एन इंटू 10^(n). यहां एन क्या है बच्चों? यहां पर एन 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है, यानी इकाई अंक में हो, दहाई नहीं चाहिए, इकाई अंक में होगा वो एन, राइट। और एन की जो पावर स्मॉल एन है, ये घातांक कितना भी हो सकता है, 2 अंकों में 3 अंकों में, जो पॉसिबल हो। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी, है ना? देखो बच्चों, टॉपिक को जितना आप टू पॉइंट पढ़ेंगे वो उतना ही इजी हो जाता है, इसलिए ज्यादा थ्योरी पर ध्यान ना देते हुए हम भी प्रैक्टिकल चीजों को करना चाहते हैं, मैं कोशिश कर रही हूं ताकि आप जल्दी समझ जाएं। ओके, तो कमेंट में फटाफट लिखते जाएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। तो बात समझ में आ गई, एक एग्जाम्पल देती हूँ, कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है वैज्ञानिक संकेतन। जैसे अपने पास वैल्यू है 2, 4, 6 इंटू, लिख दो 10^2, ठीक है। एक अपने पास वैल्यू है 4, 5, 6, 8, 9 और 2। अब बताइए दी गई संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करो। तो आप सोच रहे होंगे कि ऊपर वाली संख्या तो ठीक है मैडम, इतनी बड़ी नहीं है, पर नीचे वाली तो है। बिल्कुल, इसको आप वैज्ञानिक संकेतन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि हम चलेंगे सबसे पहले अन पर, ठीक है। ये एन क्या होगा, एक ही सा अंक होगा ना, इकाई अंक होगा, तो इसका मतलब आपका जो पॉइंट है वो कहां आना चाहिए, यहां पर। तो अपन लिखेंगे क्या, 4 पॉइंट, क्या 5, 6, 8, 9, 2। आपने पॉइंट कहाँ लगाया, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ या ना, तो 10^ कितनी हो गई, 5। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई या नहीं? जरा एक और एग्जांपल दे दूं, 0.0016, आ गई बात समझ में? अब इसको क्या लिखोगे, आप किस तरह लिखोगे? तो इस पॉइंट को आप इस तरफ ला रहे हो ना बच्चों, इसको तो आप इस तरफ ले जा रहे थे, यानी कि आप जब आगे की तरफ चल रहे हैं तो घातांक किस में चलेगा, प्लस में आ रहा है, और आप जब इस तरफ पीछे की ओर आ रहे हैं तो घातांक किस में लिखा जाएगा, माइनस में। छोड़ो मैडम, याद नहीं रह सकता, कोई बात नहीं, इतना तो याद रहेगा ना कि पॉइंट पहले लगा हुआ है और संख्या बाद में है, ठीक है, इतना तो याद रहेगा, पॉइंट पहले है और संख्या बाद में, तो पॉइंट किस तरफ आएगा, संख्या की तरफ तो लाए ना। जब आप पॉइंट को पीछे ला रहे हो तो हम क्या लिखेंगे, उसका घातांक क्या करना पड़ेगा, उसको हमें किस में लिखना है, हमेशा माइनस में, किस में, माइनस में। बात समझ में आ गई? सेकेंड थिंग, जब संख्या के पहले लिखा ही नहीं गया है, दशमलव नहीं है और आप लगा रहे हैं, तो वो किस और होगा, प्लस में। बात समझ में आ गई? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर। पहले से पॉइंट लगा है ना, इस तरफ लाओ, कितना, 1, 2, 3, राइट, 1.6 × 10^-3, क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए कुछ
प्रैक्टिस आपके साथ भी कर ली जाए। तो चलते हैं अपन अपना निम्न संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करो। तो पहली कौन सी है, 2.32.508, राइट। आपको संख्या में किस तरफ ले जाना है, इस तरफ, राइट। आपको शॉर्ट नोट करना है ना, तो मैं लिख रही हूं यहां पर, एक तो इस तरफ एक इस तरफ। यहां ले जाएं तो घात किस में चलेगी, प्लस में, और इधर लाएं तो घात किस में चलेगी, माइनस में। अब तो ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ओके। शॉर्ट नोट में इसीलिए बता रही हूं क्योंकि एग्जाम में आएगा बच्चों क्वेश्चन, ओके। आइए आप बताओ, अपन इस तरफ ले जा रहे हैं तो ये क्या होगा, आपका घातांक फॉर्मूला याद है ना, बिल्कुल। देखो मैं फिर भी लिख रही हूँ, जल्दी जल्दी बताओ जल्दी। आंसर आएगा 2.32508 इंटू 10 to the power 2। डन, बात समझ में आ गई होगी। चले एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कहीं पॉइंट नहीं, इस तरफ पॉइंट ले जाना है, एक ही संख्या होनी चाहिए, क्या हो, जल्दी बताओ जल्दी 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 बताइए क्या होगी भाई। 2.34000 कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 10 to the power 5, क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या भाई, चले आगे, एरो देखो देखो देखो, पॉइंट किस तरफ, अब पॉइंट को यहां लाना है, तो क्या लिखेंगे, 5.0 × 10 to the power कहां, 1 2 3 4 -4, राइट। सबके सही आंसर आ रहे हैं कमेंट में, सबने सही लिखा है, इसका मतलब वैज्ञानिक संकेतन सबको समझ में आ गया। बच्चों ये वो टॉपिक है जो आपको 2 मार्क्स इजीली दिला देंगे, इसलिए, और इजी भी बहुत है, और जो आना एग्जाम में मैंने वही कराया, इसलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट मारो ताकि आपको बात समझ में आ जाए, क्लियर। आप चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि इस प्रकार है, क्या है जी, सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या है, सार्थक यानी वैल्यूएबल चीजें क्या होती है। कोई भी चीज को अपन देखते हैं, संख्या को देखते हैं, तो अपन सोचते हैं क्या ये सार्थक है, यानी इसको अपन लिख सकते हैं, ये वैल्यूएबल है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे अपन ने लिखा 01, ठीक है, एक लिखा 10, बताओ इन दोनों में से सार्थक में क्या चीजें हैं। इसमें शून्य का कोई सार्थकता नहीं है, केवल एक ही है, है ना। अगर रुपए पैसे में बात करूं तो एक रुपया है, एक ही तो रुपया है, लेकिन वहीं पर ये जीरो वैल्यू कर दी, इसकी कितनी बढ़ा दी, 10 रुपए, हाँ है ना, बात समझ में आई। इसीलिए संख्या जो होती है, उस संख्या को जब आप लिख रहे हैं तो कौन सी सार्थक है और कौन सी सार्थक नहीं है, वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसकी थ्योरी तो बहुत सारी है, उसके बहुत सारे नियम है, पर वो नियमों को मैं संख्याओं को दिखाकर एग्जाम्पल को लेकर ही आपको समझाऊंगी, ताकि आपको नियम तो एग्जाम में आएंगे नहीं कि सार्थक अंक किसे कहते हैं, नियमों का उल्लेख कीजिए, ना ना ऐसा कुछ नहीं। संख्या दी जाएगी और पूछा जाएगा दी गई संख्या में कितने सार्थक अंक है, तो वो क्वेश्चन ही क्यों ना किया जाए, क्यों थ्योरी में जाए, राइट। तो अपना जो अगला अपन देखें, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो सार्थक अंक है उसकी परिभाषा को अपन किस तरह से व्यक्त करते हैं, तो बस एक बार नजर डाल लेते हैं क्या कहना चाहती है। तो सार्थक अंक की परिभाषा कहती है कि भौतिक राशि को सार्थकतापूर्ण व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अंक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। बिल्कुल क्लियर, परिभाषा समझ में आ गई, इसको समझाने के लिए मैंने पहले ही तुम्हें क्लियर कर दिया था पॉइंट, राइट। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं कि सार्थक अंक जो है उनको अपन कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि उदाहरण के लिए अपने पास क्या है, 0.007 में सार्थक अंक
एक है, ठीक है, कैसे हुआ? तो देखो बच्चों, अपने पास कभी भी कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने हो तो ध्यान देना कि संख्या से पहले जो दशमलव है और शून्य है, तो वो शून्य किस प्रकार सार्थक हो सकते हैं। ठीक, जैसे संख्या के बीच 808 शून्य सार्थक है, ठीक है, 1.01 शून्य सार्थक अंक है, 1.200 शून्य सार्थक है, 0.002 शून्य सार्थक नहीं है। पहला पॉइंट, अंकों के मध्य शून्य सार्थक है, ठीक, बट संख्या ना हो और शून्य हो केवल, तो वो सार्थक अंक नहीं है। बात समझ में आ गई होगी, सार्थक का मीनिंग समझ में आया? तो देखो, इसी एग्जाम्पल से ये बात समझ में आ गई, संख्या नहीं, दशमलव के बाद शून्य है, फिर अंक है, तो ये शून्य सार्थक अंक नहीं है। क्लियर? इसलिए यहां पर सार्थक अंक कितना दिया है? एक ही दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं थोड़े और एग्जाम्पल बल्कि और, पहला एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है बच्चों? देखो, जितनी संख्या है वो सब सार्थक तो है ना, शून्य की तो बात हुई कि अब सार्थक होगा या नहीं, बाकी अंक तो सार्थक ही होते हैं, चाहे वो 2 हो 5 हो 8 हो 3 हो, कुछ भी हो, बस ध्यान किसका रखना है? शून्य का, कि शून्य कहाँ है कि वो सार्थक है और कहाँ पर है कि सार्थक नहीं है, राइट। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हैं बच्चों? ये शून्य सार्थक है कि किन अंकों के बीच है, बाकी तो सब सार्थक है, तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने सार्थक अंक है? 6 सार्थक अंक है। बात समझ में आ गई होगी मेरे बच्चों को? यस और नो, फटाफट कमेंट में लिखो जल्दी। अगला अगला क्या है? आइए, अंकों के बाद भी अंक है 0, तो सार्थक ही तो हुआ, यस और नो, अभी बताया था ना, तो कितने सार्थक अंक है? 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 सार्थक अंक है। चले आगे, आगे आता है अगला ऑप्शन, वो क्या है? 0.005, यहां अंक नहीं तो ये शून्य सार्थक नहीं। अब केवल सार्थक अंक कितना है बच्चों? 1। यस और नो, बात समझ आई या नहीं? सार्थक अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक में अंक जब लिखे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, गणित में जितने भी अंक है, केवल शून्य पर बात रुक जाती है, राइट। तो अगर शून्य अंकों के मध्य, तो वो सार्थक है, अंक से पहले हो और ना आगे अंक है पीछे अंक तो है, तो वहां पर शून्य सार्थक नहीं होगा। जो ये रहा एग्जाम्पल, अंकों के मध्य है तो सार्थक। सेकंड, अगर अंकों के आगे शून्य लिखा है तो बिल्कुल सार्थक होता है, राइट। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, जो एग्जाम्पल एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो क्या है? 2.0 × 10⁻², 2.00 × 10⁻², 2.000 × 10⁻²। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें सार्थक अंकों की संख्या बताओ, राइट। तो यहां पर सार्थक अंक कितने हैं? 2, यहां पर 3, यहां पर 4। यस और नो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्यों भाई, क्यों है? क्योंकि संख्या के बाद शून्य है, संख्या के बाद शून्य, संख्या के
बाद शून्य है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूं। इस एग्जाम्पल को आप उतार लेना। और एक बात और, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है कि अगर इन दोनों में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा सार्थक कौन, या इन दोनों में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्थाई संख्या के रूप में जब व्यक्त किया जाए तो कौन सा है, वो ये रहा। क्योंकि दशमलव के बाद दो अंकों तक संख्याएं जो होती हैं वो सार्थक मानी जाती है, वो वैल्यूएबल होती है, उसके बाद नहीं। इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि 2.0 और 2.00 में कौन सा स्थाई अंक है या संख्या है, और उस जो स्थाई है उसमें सार्थक अंक कितने हैं। तो आपको वहां पर लिखना है 2.00 सबसे अधिक स्थाई है और उसमें सार्थक अंक 3 है। क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई होगी। तो ये था आज का टॉपिक। आज आपने क्या क्या पढ़ा? आज आपने द्रव्य के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा। उसके बाद में गुणधर्म जब पढ़ लिए तो देखा कि उसके मात्रक कौन कौन से होती है, पद्धतियां कौन कौन सी होती है, फिर वैज्ञानिक संकेतन और सार्थक अंक, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज के टॉपिक्स में से, वो था वैज्ञानिक संकेतन और सार्थक अंक, जिसे आपको अच्छे से रिवीजन देना है। जिसको समझ में नहीं आया वो वापस पूछ सकता है, और अच्छे से, बहुत अच्छे से इनके एग्जाम्पल्स को आप करेंगे। आप एग्जाम में देखना, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, तो जब तक अपनी अगला जो अपनी क्लास होगी उसमें इसकी समरी आप बनाकर लेकर आएंगे और मुझे बताएंगे कि इस तरह से मैम हमने बनाई है, ये आपका होमवर्क है। फिर मैं आपको खुद से बनाकर भी दिखाऊंगी कि इस तरह से आपने बनाई है या नहीं। तो उसके लिए नेक्स्ट क्लास में आना होगा। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।